नहीं, चिंता नहीं करता, कोई वरी नहीं है इसके बारे में। हम उसके लिए आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह राणा उर्फ बीरू सरपंच ने खांडसा गांव में पहुंचकर के लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी ही गुड़गांव का विकास करवा सकती है। इसके साथ बीरू सरपंच ने दर्जनों गांवों का दौरा करके लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। खांडसा गाँव में उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नारी का सम्मान करती है और यही कारण है कि पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया है। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीर सिंह राणा ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ लोगों को झूठे वादे और आश्वासन दिए हैं और यही कारण है कि एक सुंदर शहर को आज कूड़ा घर बना दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर शहर के तमाम समस्याओं का समाधान वो स्थायी रूप से करवाएंगे। देखो, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, ये आपने भी देखा होगा। अब मेरे साथ तो 10-20 गाड़ियां तो चलती नहीं है, मेरी तो 3 गाड़ी है। गरीब का कैंडिडेट हूँ, अपना लेके 3 आदमी या 3 गाड़ियां पहुंच जाऊं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कह रखी भाई 3 से 5 गाड़ियां चलनी, 3 गाड़ियों। तो ये सारे लोग यहाँ के, अब आपने देखा होगा जिन के सारे लोग यहाँ के हैं, इनने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है और इनने ये भी कहा भाई अब की बार तेरे ढोलने भर के भेजेंगे। बोला सारे जिता दिए बताने जिता के भेजेंगे। तो गुड़गांव के सोना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तंवर ने दर्जनों क्षेत्र में जनसंपर्क करके लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोहना विधानसभा के राजनीति का गढ़ माने जाने वाले लाला खेड़ली गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ। तेजपाल तंवर ने कई गाँव में पहुंचकर कहा जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, उन्हें आशीर्वाद मिला है, उससे यह साफ है कि आने वाली 5 तारीख को बीजेपी के समर्थन में बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से उनको वोट मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2014 में उन्होंने यहाँ पर जो विकास के काम करवाए हैं उसी के आधार पर लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन